कोरोना एक बार फिर वापस लौट रहा है। कोविड का JN1 वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए केस आए हैं, जिनमें नए वेरिएंट के 160 से ज्यादा मरीज हैं। उधर आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड के साथ कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या दोगुनी परेशानी खड़ी कर रही है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 के मामलों में भी इजाफा हुआ है। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोविड की जांच, सर्विलांस और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल जो केस सामने आ रहे हैं उनमें अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण मिल रहे हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। जानकार बताते हैं कि JN1 वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। JN1 वेरिएंट खतरनाक नहीं है और न ही जानलेवा है। देश में नए वेरिएंट के 162 मरीज हैं। सबसे ज्यादा केरल में 82 मरीज मिले हैं। केरल के अलावा गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत कई राज्यों में नया वेरिएंट फैल चुका है। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट के संक्रमितों में हल्के लक्षण ही मिले हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और इसके लक्षण भी लगभग वैसे ही हैं। डॉक्टर्स बुजुर्ग, पुरानी बीमारी के मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खास ख्याल रखने की हिदायत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी नसीहत दी जा रही है। आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और अगर सावधानी ना बरती गई तो फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसी तमाम अपडेट देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।